नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव सभी लोगों को। आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर हो, आप लोग जितने भी मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे, आप सभी को दिल से सभी को स्वागत है दोस्तों हमारे एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि आप लोग डी सजन भैया जो कि 14 तारीख को रात को ही निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, रवाना हो चुके हैं दोस्तों। और आप लोग सबसे पहले डी सजन भैया और जितने भी उसके मेंबर देख रहे हो, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उतना दूर जाना ही हम लोग के लिए बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि उतना दूर बुकिंग मिला है तो सेफ्टी से जाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को भी अच्छे से अच्छे पहुँचे, आप लोगों का जर्नी अच्छा हो, बस भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के सबके ऊपर बने रहें, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से उतना दूर हम लोगों को जा रहे हैं, जाने की मौका मिला है। और डीजे सार्जन भैया की वजह से हम लोग बहुत दूर तक घूमे, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम लोग यूपी, उड़ीसा, बेलपहाड़ी, बहुत दूर दूर तक हम लोग घूमे। डीजे सार्जन भैया की ओर से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हम लोगों को कैसे वीडियो बनाना चाहिए, बाहर में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारा कुछ डीजे सार्जन भैया ने सिखाया कि क्या क्या कुछ होता है बाहर में। तो डीजे सार्जन भैया को बहुत बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया। और आप लोग को जानते होंगे कि डीजे सार्जन आप लोग सभी आप लोग डीजे सार्जन के फैन हैं, लेकिन हम लोग उनसे भी ज़्यादा डीजे सार्जन को हम लोग भक्त भक्त मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत इतना कुछ हम लोग हुआ है। आप लोगों को पता होगा डीजे सार्जन मेरा यूट्यूब चैनल पहले कुछ और टॉपिक में मैं वीडियो बनाता था, लेकिन डीजे सार्जन भैया की वजह से इस फील्ड में उतरा, डीजे के फील्ड में, और उसी से आज आप लोगों के बीच हूँ। इतना दूर 7000 फैमिली आप लोगों के बीच बना लिया है, आगे भी बहुत कुछ होगा। बाकी आप लोग आप ही लोगों के प्यार से, आप लोगों को जितना अच्छा अच्छा कंटेंट होगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। और आप लोग जितने भी कमेंट कर रहे हैं कि आप जाओगे कि नहीं, दोस्तों मैं भी जाऊंगा, मैं भी 23 तारीख को निकल जाऊंगा हमारे इधर झारखंड जमशेदपुर से। आप लोग पता होगा यहीं से हम लोग ट्रेन लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है हरिद्वार के लिए, और यहाँ पर 24 को रात को हम लोग पहुँच जाएंगे, और सुबह तक लगभग सुबह तक कहीं पर रुकेंगे स्टेशन में, और सुबह तक यहाँ से निकल जाएंगे, जैसे कि जहाँ पे डीजे सार्जन भाई आएंगे। और लोकेशन तो हम लोग को मिल ही जाएगा किसी न किसी तरह, और जितने भी बाकी भाइयों जाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रह के जाइए, क्योंकि ऐसा कोई भाइयों ने यूट्यूब ने बताया कि चोरी लूटपाट ऐसा तो होता ही रहता है रेलवे स्टेशन में, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लूटपाट ऐसे हमारे भारत में ऐसा होता रहता है। तो अगर लाइफ पे रिस्क नहीं लगा तो कुछ पाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग बस आप लोग खुद को एक अच्छे तरह से रखिए सेफली, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे जितने भी यूट्यूबर भाई है, अगर वहाँ पे जितने यूपी, मेरठ और या फिर हरिद्वार के भी जितने भी पब्लिक देख रहे हो, आप लोग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे देते तो अच्छा होता। आप लोगों से यही छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा भैया, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग भी अनजान जगह जा रहे हैं, कहाँ क्या है आप लोग हम लोगों को भी नहीं पता, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता, ठीक है। तो और बस अभी आप लोगों के लिए यही छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में दे देना, और बस भोलेनाथ की कृपा से इस बार हरिद्वार भी जाने का मौका हम लोगों को मिला है दोस्तों, और बिल्कुल हम लोग भी जाएंगे, और आप लोगों के यहाँ पे जाके सारा चीज़ कवर करने का कोशिश करेंगे कि कैसे मेला होता है वहाँ पर, किस तरह का वहाँ पर मेला लगता है, कितना डीजे सेटअप आता है, कैसा कैसा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा रोड शो वहीं पर मनाया जाता है कावड़ यात्रा पे, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे मनाया जाता है वहाँ पर कावड़ यात्रा। आखिरकार हम लोग भी नए हैं, आप लोग भी नए हैं, तो आप लोगों को भी देखने का मज़ा आगे मिलेगा कि हम लोग नए जगह जा रहे हैं, नए जगह का आप लोग चीज़ आप लोग देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहना, काफ़ी कुछ मज़ा देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोगों के लिए एक हटके वीडियो आप लोगों को लाने का कोशिश करूँगा दोस्तों, और आप लोग जुड़े रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप लोगों के यही छोटी सी वीडियो था दोस्तों आप लोगों के लिए, और कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और वहाँ पे जितने भी कंट्रोवर्सी था वो भी ख़त्म हो चुका है। कुछ दिन पहले तो ऐसा चल रहा था कि जैसे मान लीजिए कुछ जंग छिड़ गया हो पाकिस्तान और इंडिया का, ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी सब कुछ माहौल ठीक है, बस उन लोगों का वीडियो बनाने का तरीका कुछ ऐसा है, और प्रशासन भी उन्हीं की वजह से कुछ कानूनी कार्रवाई की, साथ में जो कि डीजे का जो भी गाइडलाइन है वो भी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया कि अच्छे से अच्छे मेला जो पार हुए, लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में ही रहना चाहिए। कंपटीशन तो होता रहता है, वो तो कभी कभार होता रहता है, वो कभी पब्लिक को एंजॉय देने के लिए होता रहता है,
तो बस दोस्तों ऐसे ही छोटा सा वीडियो था। आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर आप लोग जितने भी नए हो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया डीजे के बारे में वीडियो आता रहेगा। दोस्तों आप लोगों को चैनल पर साथ जुड़े रहना। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए सबसे आप सभी को हर हर महादेव, आपका दिन शुभ हो। वासुदेव भोलेनाथ की कृपा आप सभी को बने रहना।